बयाना में कुशवाहा समाज की एक महिला की आज संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिलने से गुस्साए कुशवाहा समाज के लोगों ने बयाना के गांधी चौक चौराहे पर जाम लगा दिया, जिसे कई घंटों तक बयाना हिंडोन व बयाना रूपबास एवं बयाना तालचीड़ी स्टेट हाईवे पर कई घंटे तक यातायात पूरी तरह बाधित रही। जाम लगा रहे लोगों का आरोप था कि 3 दिन पहले कुशवाहा समाज की महिला के गायब होने पर परिवार के लोग जब पुलिस कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराने गए तो वहां मिले पुलिस कर्मियों ने उन्हें वापस लौटा दिया। अगर रिपोर्ट दर्ज कर ली होती तो शायद इस महिला की हत्या नहीं होती। जाम लगा रहे लोगों ने पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए के मुआवजे व एक सरकारी नौकरी दिलाए जाने एवं हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तार किए जाने की मांग की है। मौके पर उपखंड अधिकारी व भरतपुर के अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारी जी पहुंचे, जिन्होंने जाम लगा रहे लोगों से समझाइश भी की, किंतु वह अपनी मांगों पर अभी तक अड़े हुए हैं। महासभा, आज हम बयाना में गुड्डी देवी कुशवाहा के साथ जो कृत्य हुआ है उसकी घोर निंदा करते हैं। 2 दिन से गुड्डी देवी लापता थी, जबकि उनके घर वालों को पता चला तो उनके हस्बैंड थाना बयाना में मुकदमा दर्ज कराने गए। कोई पुलिस वाला बाहर मिला था, ये सीधे सच्चे लोग हैं। उन्होंने कह दिया कि सुबह आना, वो लौट के आ गए। अगर मुकदमा दर्ज किया होता तो गुड्डी देवी का मर्डर नहीं होता, उसके साथ कृत्य भी हुआ है और मर्डर भी हुआ है, और 2 दिन पहले गायब थी। आज हम सर्व समाज के लोग इकट्ठा होकर के चक्का जाम कर रहे हैं और प्रशासन से, सरकार से हम मांग करते हैं कि गुड्डी देवी के इस कमी की पूर्ति तो नहीं की जा सकती, लेकिन हम 50 लाख रुपए की मांग करते हैं और एक सरकारी नौकरी की इसके प्रबंध, तभी हम एक चक्का जाम खोलेंगे। कोई उच्च अधिकारी यहाँ आए और हमारी बात सुने और हमारा ये अल्टीमेटम स्वीकार करें, वरना